हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनबो मार्बल एंड टाइल्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को इस किचन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस किचन में कौन सा टाइल्स और कौन सा ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और क्या इसका रेट है। और ये जो किचन आप लोग को दिख रहा है, ये किचन पूरा कंप्लीट करने में कितना खर्चा आया है, ये पूरा जानकारी आज आप लोग को देंगे, ताकि आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो ऐसा एक किचन बनाने में आप लोग को कितना खर्चा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस किचन का काउंटर टॉप आप लोग देख रहे हो, इस काउंटर टॉप पे हमने ब्राउन कलर का ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है और इसका टेटो जो स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग में भी हम लोग 4 इंच करके ग्रेनाइट काट के लगा दिए, और उसका खिड़की में भी हम लोग ये ग्रेनाइट का यूज़ किए हैं, और उसका नीचे में भी ऐसे करके मोल्डिंग करके 1.5 इंच करके पट्टी लगा दिए हैं। ये पट्टी कुछ 1.5 इंच करके है, और उसका नीचे में आप लोग एक कैबिनेट देख रहे हो। ये हमने रैक बनाए हुए, इस साइड में 2 रैक बनाए हैं और इस साइड में 1, और रैक के अंदर में हम लोग टाइलिंग कर दिए हैं, पूरा टाइल्स का फिटिंग कर दी है। रैक की फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरह से इसका रैक लगता है, और इस साइड में भी 1 बड़ा रैक हम लोग बना दिए हैं, और अंदर में पूरा टाइल्स का फिटिंग कर दिए हैं। और इस साइड में जो जगह है, ये सिलेंडर रखने के लिए जगह है फ्रेंड, ये आप लोग देख सकते हो, ये सिलेंडर रखने की जगह है, और ये खिड़की का साइड में भी हम लोग टाइल्स करके लगा दिए हैं, देख सकते हो। ये हम लोग जो टाइल्स करके लगाए, ये चोच करके लगाए पूरा, और ये टाइल्स आप लोग देख रहे हो, ये टाइल्स कुछ 18 इंच बाई 12 इंच का साइज है। ये टाइल्स का व्यू आप लोग देख सकते हो, ये पूरा सीलिंग का टॉप तक लगा है। ये सामने का साइड ये आर्च है, आर्च के भी फिनिशिंग आप लोग देख सकते हो, कुछ आर्च इस तरह का बनता है। किचन के सामने अक्सर सभी का घर में आर्च होता है, तो आर्च में कुछ इस तरह से टाइल्स लगाया जाता है। और ये जो आप लोग खिड़की देख लो, खिड़की के ऊपर जो गोल पॉइंट है, ये चिमनी का पॉइंट है। तो आप लोग कुछ इसी तरह से देख के आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप लोग किचन रूम बनाना चाहते हो तो आप लोग किस तरह से बनाओगे, आप यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हो। और आखिर में बात करते हैं इसका टोटल कितना खर्चा आता है। सो फ्रेंड्स, पहले जो किचन का बेस बनता है वो ब्लैकस्टोन से बनता है, जो हम लोग स्टैंड लगाते हैं और ब्लैकस्टोन के नीचे देते हैं, वो कुछ हम लोग का यहाँ 50 फुट का आसपास लगा है। मार्केट में 45 रुपये के आसपास मिल जाएगा, 45 रुपये स्क्वायर फुट, तो उसका हिसाब हुआ 2250 रुपये में आपका पूरा ब्लैकस्टोन का बेस खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको जो चाहिए वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पर हम लोग कुछ 30 फुट का आसपास ही हम लोग का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग ग्रेनाइट इस्तेमाल किए हैं वो 250 रुपये स्क्वायर फुट है, तो 30 × 250 7500 रुपये के हम लोग का ग्रेनाइट यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद जो आता है आप लोग का टाइल्स, तो हम लोग का यहाँ पर कुछ 260 स्क्वायर फीट टाइल्स का काम हुआ है। टाइल्स का जो रेट है वो 3500 रुपये स्क्वायर फीट है, तो उसी हिसाब से 260 × 35 9100 रुपये का हम लोग को टाइल्स लगा है। और जो लेबर और मिस्त्री का हम लोग काम किए हैं वो लगभग 14000 रुपये का हम लोग का लेबर कॉस्ट पड़ता है। इसी हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो हम लोग का यहाँ पर जो खर्चा हो वो टोटल 35000 का आसपास। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।